अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डीएस ऑडियो टेक चैनल। तो आज मैं आपको इंस्ट्रूमेंटल वीएसटीज़ के बारे में बताने लगा हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगी और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएटिविटी में जो है वो आपका इन्हेंसमेंट लाएंगी। ओके, तो हम अपने चलते हैं डॉ सॉफ्टवेयर के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वीएसटीज़ जो होती हैं हर सॉफ्टवेयर में तकरीबन जो है वो ओपन हो जाती हैं। आपके टॉप सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, लॉजिक प्रो टूल्स, फूडी लूप्स और हमारा क्यूबेस। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी VST को जो है वो ओपन करते हैं। ओके, तो आज मैं आपको जो VST दिखाने लगा हूँ वो है Omnisphere। Omnisphere एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की VST है, बहुत ही इसका कमाल जो है वो ओवरव्यू है इसका। अब ये ओपन होगी और इसकी स्पेक्स के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो क्वालिटी ज़रा बेहतर चाहिए। आपके PC के लिए स्पेक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अच्छा PC चाहिए आपको, क्योंकि इसकी ग्राफिक्स अच्छे हैं। और ये हमारी Omnisphere VST खुल गई। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था स्पेक्ट्रासोनिक्स स्टाइलस आरएमएक्स के बारे में आपको बताया था, जो कि रिदम की VST थी। उसी की कंपनी ने ही जो है वो Omnisphere को बनाया है, यानी कि स्पेक्ट्रासोनिक की कंपनी ने ही Omnisphere को भी जो है वो बनाया है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंटल VST है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर आपकी ये सारे कैटेगरीज़ हैं कि आप कौन सी इंस्ट्रूमेंट के कौन से थीम को चूज़ करना चाहते हैं, और ये आपके यहाँ पर टोन्स आ जाते हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हम इसको डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारी काफ़ी बड़ी विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो कैटेगरी को एक डिफ़ाइन किया हुआ है। RPGS को क्लिक करते हैं। RPGS को क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपने किस टाइप की जो है वो लेनी है, किस मूड का आप चाह रहे हैं कि इसको लेना चाह रहे हैं, और किस जॉनरा को आप चूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ, जैसे कि हम इसके अंदर ओपन कर लेते हैं RNB साउल और हम इधर से इसको करेंगे सिलेक्ट। आप इसको यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मिडी पियानो जो है वो कनेक्टेड है, तो मैं अपने मिडी पियानो से जो है वो इसको कनेक्ट करूँगा। हम मज़ीद और ज़रा देखते हैं ऑप्शंस। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि बहुत ही रिच साउंड आता है इसका। हम मज़ीद और RPGs को देखते हैं। ओके, तो आपने RPGs देखी, इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ जो है वो छोटी छोटी सी दिखाई हैं, मज़ीद इसके पास आप देख सकते हैं। अगर हम इसको ऑल पे करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास। हम बहुत ही समझें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर आपको मैं सारी दिखाने लग जाऊँ। तो हम आगे चलते हैं और मैं आपको इसका ये पैड्स और स्ट्रिंग्स इसकी दिखाता हूँ आपको मैं। और ये हमारी यहाँ पर ओपन हो गई, यहाँ पे एकॉस्टिक स्ट्रिंग्स, यहाँ पे आप जो भी चूज़ करना चाहें। यहाँ पे हम कोई भी प्ले कर लेते हैं। और हम इसको हर ऑक्टेव से प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेहतर लगे, जहाँ से आपको बेहतर लगे, ज़बरदस्त होती है। अब इसमें मज़ीद थोड़ा सा नीचे चूज़ करते हैं। ओके, हम इसमें स्ट्रिंग्स को अगर सर्च करें तो इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रिंग्स हैं। इसके हम अंदर जाते हैं एकॉस्टिक स्ट्रिंग्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है, और ये ज़्यादातर फ़िल्मी इसका टोन्स हैं, इसके बहुत ही क्लासिक टोन्स हैं। इसमें कोई वो कहते हैं ना कि हम पुरानी जो है वो टोन्स होते थे, पुराने इंस्ट्रूमेंट्स टोन्स होते थे कंप्यूटर के अंदर, तो ये उससे बहुत ही हटके है। हम मज़ीद थोड़ा सा अगर नीचे चलें, इसमें सिंथ की लाइब्रेरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास हैं इसके अंदर। सिंथ के अंदर हम थोड़ा सा जाते हैं और ज़रा इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही आउटक्लास साउंड है इसके अंदर। इसकी बेसिस को भी आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ, इसका व्यू। बहुत ही आउटक्लास साउंड्स हैं इसके। तो जैसे कि आपने देखा, सारी VST को आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको परचेज़ करने के लिए आप डेफिनेटली स्पेक्ट्रासोनिक की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से यू कैन परचेज़। इसकी लाइब्रेरीज़ भी जो हैं वो भी आती रहती हैं, लेकिन इसकी बिल्ट इन जो लाइब्रेरीज़ हैं वही बहुत ज़्यादा हैं। और तकरीबन इसका साइज़ जो है वो आई थिंक कोई 56 to 65 GB तक का आपको मिल जाता है। तो ये आप परचेज़ करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपका आधे काम जो है ना वो तकरीबन इंस्ट्रूमेंटल जो है वो सारा ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें आपको अच्छे पैड्स मिल जाते हैं, RPGS मिल जाती हैं, पियानो भी इसका अच्छा है। तो इस VST के बारे में ये छोटा सा रिव्यू था मेरा, और क्योंकि ये मेरी बहुत फेवरेट VST है, इसे मैं बहुत यूज़ करता हूँ अपने सॉन्ग्स वगैरह के लिए। हर सॉन्ग्स जब भी बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि इसका यूज़ ज़्यादा करूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मॉडर्न रिदम्स हैं, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है इसके साथ काम करने का और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस VST को परचेज़ करें और इसके साथ जो अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करें। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन मुझसे जानना चाहते हैं या किसी भी VST के बारे में गाइडेंस लेना चाहते हैं कि कौन सी VST बेस्ट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स को नीचे अपने पोस्ट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगा और उसके बारे में आप ज़रूर आपको जो है वो रिप्लाई दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।